काट रहे हैं, ये इतनी ओछी रहा, ये तो दंगा फैलाने वाली बात है, ये तो हत्या करवाने वाली बात है। इन लोगों की सदस्यता डेफिनेटली रद्द होनी चाहिए। रामचरितमानस, भगवान राम, इनके ऊपर में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये जो मांग है एकदम सही है और इनकी सदस्यता तत्काल रद्द करनी चाहिए। रामचरितमानस को देश का प्रत्येक नागरिक बड़े सम्मान की दृष्टि से देखने का काम करता है, उसको मानने का काम करता है, तो ऐसे औचित्यपूर्ण बात करने का कोई मतलब नहीं। निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग को इन पूरी चीजों पे पूरी चीजों को संज्ञान में लेके इसमें चर्चा करनी चाहिए। और धर्म से संबंधित किसी भी धर्म का हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि उनकी बेइज्जती करें, ये कुछ मुद्दा है ही नहीं, इन्फेक्शियस है, इस पे मेरे हिसाब से चर्चा होनी नहीं चाहिए। एकदम सही मांग की है, रद्द करनी चाहिए। प्रभु राम पर अभी इन लोगों की राजनीति खत्म होगी तो अभी ये लेवल पर आ गए हैं कि प्रभु राम पर, रामचरित्र मानस पर, हमारे घर जो कई हजार साल पूरा विश्व मान रहा है इस हिंदुत्व को, इस सनातनी विचार को, उस पर ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे हैं, ये इतनी ओछी रहा, ये तो दंगा फैलाने वाली बात है, ये तो हत्या करवाने वाली बात है। इन लोगों की सदस्यता डेफिनेटली रद्द होनी चाहिए। हम कह रहे हैं ये सब दंगा फैलाने, ये हिंदुओं को तोड़ के ये आतंकवादी गतिविधियां हैं। भाई क्या बात कर रहे हैं आप, अब तक कर दिया जाना चाहिए था, पता नहीं अब तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो देश में ऐसी राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हमें बांटने की कोशिश करते हैं, और अब तो ये इस स्तर पे उतर गए हैं, ऐसे इनकी सोच इतनी खराब हो गई है कि मुझे लगता है कि अब इनको माफ नहीं करना चाहिए। ठीक है आप राजनीति कर रहे हो, पर किस के ऊपर राजनीति कर रहे हो? रामचरितमानस, भगवान राम, इनके ऊपर में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये जो मांग है एकदम सही है और इनकी सदस्यता तत्काल रद्द करनी चाहिए। के ये अनावश्यक प्रकार के विवाद खड़ा करने का काम करते हैं। रामचरितमानस को देश का प्रत्येक नागरिक बड़े सम्मान की दृष्टि से देखने का काम करता है, उसको मानने का काम करता है, तो ऐसे औचित्यपूर्ण बात करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो कहते हैं कि इसमें जातिगत विभेद किया गया है और उस पर टिप्पणी की गई है और उस विवादित हिस्से को हटाया जाना चाहिए रामचरितमानस। ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जिनका कोई मतलब नहीं। देखिए जहां एक तरफ उन्होंने पवित्र ग्रंथ का अपमान किया है, विवाद किया है, वहीं साथ साथ समाज में वैमनस्यता बढ़ाने के लिए, अपनी स्वस्थी लोकप्रियता पाने के लिए जिस प्रकार का इन्होंने किया, भाषा का उपयोग किया है, जिस शब्द का उपयोग किया, दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग को इन पूरी चीजों पर पूरी चीजों को संज्ञान में लेकर इसमें चर्चा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव जी राष्ट्रीय महासचिव बने हैं, मुलायम सिंह जी के बाद डिंपल जी के इलेक्शन में उनको पैर छूकर घर में इका करके लेके आए। उनका अधिकृत बयान आ गया है कि मौर्या जी का निजी बयान है, उनका कोई लेना देना नहीं है। और जो वो पहले भी जो हमारे साथ बीएसपी में थे, एक दिन संचालन कर रहे थे, लाखों की भीड़ सामने थी, वो बोल गए कि आरएलडी को सपोर्ट करो। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं मुझे नहीं पता। इसको रोल बैक करना चाहिए, अड़ना नहीं चाहिए। और धर्म से संबंधित किसी भी धर्म का हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि उनकी बेइज्जती करें, ये कुछ मुद्दा है ही नहीं, इन्फेक्शियस है, इस पर मेरे हिसाब से चर्चा होनी नहीं चाहिए। अभी चर्चा देश पे हो, चर्चा सदन में हो, चर्चा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे हो, चर्चा बजट पे हो, चर्चा 8-10 दिन से देश में जो ये अभी अडानी का एपिसोड चल रहा है इस पे हो, जो गरीब लोगों का पैसा LIC में और बैंकों में फंसा पड़ा है इस पे चर्चा हो, सदन में चर्चा हो। वो तो बिल्कुल इन्फेक्शियस मुद्दा है, मैं सोचता नहीं इस पर चर्चा